दहेज की मांग को लेकर पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा, महिला को आई गंभीर चोटें। 8 माह की गर्भवती थी महिला, पीड़िता ने 1 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज मांगने का लगाया पति पर आरोप। पुलिस ने मामला न दर्ज कर घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। आपको बता दें, मामला जालौन जनपद के कालपी कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती राम चबूतरा मोहल्ले का है। क्या घटना हुई? कल से बुखार आ रहा था, हमने कहा मैं दवा दिला लाओ चल के। कल ने ये दवा नहीं दिलाई, पहले अपने घर से 1 लाख रुपया लेकर आ, जब दवा दिलाएंगे तो। हमने कहा मेरे माँ बाप के पास नहीं है पैसा, कहाँ तक तुम्हें दें। बस इतना कहा, बस इतने में मुझे मानने लगा लातों से और बेड से नीचे फेंक दिया। ये आए दिन आपकी तरह घटना घटती थी? आए दिन ये ऐसी ड्रामा करते हैं। मतलब किस बात को लेकर मारते पीटते थे आपको? यही पैसों को लेकर मारपीट करते हैं कि पैसा लेकर आ अपने घर से, डिलीवरी के टाइम या अपने घर से पैसा लेकर आ या अपने घर जा, हम पैसा एक पैसा नहीं लगाएंगे। यही उनकी सब घर वाले यही कहते हैं। अब मारपीट हमेशा करता है, पैसे की मांग करता है कि 1 लाख रुपया ला के आओ, जब डिलीवरी तुम्हारी यहाँ होएगी और तेरे माँ बाप देखेंगे, और 1 लाख नहीं लाई तो इसी जान से मार देंगे। ये दोबारा घटना आए मेरी लड़की के साथ, आए दिन मारपीट करता है और कभी मिट्टी के तेल की डाल के, उसकी माँ बहने कही थी मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दो और हम निपट लेंगे, पैसा 1 लाख से 2 लाख लगेगा। उसकी नानी कहती है हम लगा देंगे।